सर्दी बढ़ने के साथ ही सरसों सीड और सरसों तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। सरसों मिल डिलीवरी 42% तेल कंडीशन के भाव 100 रुपये और उछल कर 6850 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे हैं। वहीं सरसों तेल भी महंगा हो चुका है और सरसों तेल के राजस्थान के कारोबारियों का कहना है कि उपभोक्ता मांग निकलने से सोयाबीन और सरसों तेल के भाव वर्तमान में लगातार उछल रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में त्योहारी सीजन में खाने के तेलों की मांग बढ़ने के कारण पाम तेल उत्पादों में आयात बढ़ने की संभावना से मलेशिया में भी दामों में उछाल देखने को मिला है, जिसके चलते घरेलू बाजारों में इनकी कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, मगर फिलहाल लंबी तेजी के आसार नहीं है। दरअसल देश भर की उत्पादक मंडियों में सरसों की दैनिक आवक घटकर 1 लाख बोरे के आसपास रह गई है। इसी साल 15 सितंबर के आसपास 42% तेल कंडीशन सरसों के भाव 6475 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास थे, जबकि डेढ़ महीने के अंतराल में करीब 400 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आ चुकी है। इसी बीच राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में सरसों की बिजाई शुरू हो गई है। जानकारों के मुताबिक सरसों की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। सरसों की फसल के लिए इन दिनों कई प्रकार के हाइब्रिड और उन्नत किस्म के बीज बाजार में उपलब्ध हैं। सरसों की फसल के बीज वैसे तो बहुत महंगे दामों में मिलते हैं, मगर अगर किसान हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करते हैं तो अच्छी पैदावार सरसों की हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।